अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज़ आफरीन अथर। और सॉरी, मैं बहुत अरसे से नहीं वीडियोस अपलोड कर सकी, क्योंकि आई एम बिजी इन डिफरेंट वेंचर्स। और आप लोगों के लिए फैसिलिटेशन के लिए आई एम ट्राइंग के मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हैप्पी बीइंग का एक और प्रोजेक्ट है, जो कि है काउंसलिंग सर्कल। और मैं बहुत ज़्यादा लोगों को एट मैसिव लेवल ऑनलाइन और वन टू वन काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हूँ। और जो काउंसलिंग सर्कल है, जो फेसबुक में आप देख सकते हैं, काउंसलिंग सर्कल के नाम से हमारा क्लोज ग्रुप है, आप उसमें ज़रूर शामिल हों। तो उसके अंदर आपको मुख्तलिफ काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, काउंसलिंग की टिप्स मिलेंगी, और बहुत ज़्यादा ऐसे ओकेजन्स और इवेंट्स भी आपको उसके उस पेज के अंदर नजर आएंगे, जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड हैं और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं। मैंने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पता हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलरली काउंसलिंग विद थेरेपीज, एंड साथ साथ काउंसलिंग गाइडेंस फैसिलिटेशन टीचिंग में क्या फ़र्क है। क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन होती है, जब वो आ, आ, उनको कोई मसला होता है तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वेदर वी नीड काउंसलिंग और वी नीड गाइडेंस, या हमें थेरेपी की ज़रूरत है, या आगे हमें क्या करना चाहिए। और बहुत से लोग एक्सरसिज्म या पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स पे भी जाते हैं, जिस तरह पीर फकीर के पास जाना, ये तमाम चीज़ें भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं कि हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। लेकिन स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना और मेंटल हेल्थ, ये दोनों चीज़ें एक साथ भी चलती हैं। लेकिन कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस भी हैं हमारी सोसाइटी में, अनफॉर्चुनेटली, जो कि प्रैक्टिसेस अनहेल्दी हैं और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती हैं, बल्कि एग्रीवेट कर सकती हैं और हमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में डाल सकती हैं। यू नो व्हाट आई मीन बाय दिस, कि लोग ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं जो फॉर द सेक ऑफ उनके साथ माइंड गेम खेलते हैं और फाइनेंशियली उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काउंसलिंग, हर इंसान को किसी ना किसी वक्त पे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अगर उसको वर्क प्लेस स्ट्रेस हो, या फैमिली के कोई मसाइल हो, या इवन काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट को भी कभी कभी राय चाहिए होती है, प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए होती है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ या कैथारसिस का कोई सोर्स निकाल सके। ये बहुत कॉमनली साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स देखते हैं कि तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो, तुम्हें क्यों स्ट्रेस हो रहा है, या तुम साइकोलॉजिस्ट हो, तुम इसको कोप अप क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने की, कि साइकोलॉजिस्ट को भी जो है सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है। और इवन हम लोग जब साइकोलॉजिस्ट मिलके बैठते हैं, तो हम भी आपस में केसेस को भी डिस्कस करते हैं, और साथ साथ कैथारसिस का सोर्स भी हमारा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे कोई भी प्रोफेशनल बंदा हो, उसको किसी ना किसी फॉर्म में काउंसलिंग की या गाइडेंस की जरूरत होती है। काउंसलिंग और गाइडेंस में भी थोड़ा सा फर्क है, जो कि मैं आपके साथ अब आगे जाके शेयर करूंगी कि इसमें डिफरेंस क्या है। काउंसलिंग जो होती है वो प्रोफेशनल पर्सन प्रोवाइड करता है, जिसके पास डिग्री हो। गाइडेंस जो होती है वो आपके टीचर, फैसिलिटेटर कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस्ड एल्डर पर्सन, वो भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, हाउ टू डू दिस, हाउ टू टेक दैट इनिशिएटिव, या आपको क्या करना चाहिए। तो काउंसलिंग और गाइडेंस में ये थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। अब मैं आपके साथ स्लाइड्स के जरिए मैं आपको शेयर करती हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है काउंसलिंग और गाइडेंस के अंदर, और साथ साथ काउंसलिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है, और हमें किन किन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो कि मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। सो हेयर इज द बेसिक स्लाइड्स स्लाइड ऑफ काउंसलिंग, जो कि अभी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जी, सो काउंसलिंग एंड गाइडेंस में क्या फ़र्क है, काउंसलिंग होती क्या है, काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसका नाम रखा है एबीसी ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल बेसिक्स सीखनी है कि व्हाट इज़ काउंसलिंग, काउंसलिंग क्यों ज़रूरी होती है, कब ज़रूरी होती है,
हमें काउंसलिंग के लिए किस प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, ये तमाम चीज़ें मैं इन स्लाइड्स में कवर करूंगी। डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग मैं आपके साथ इसलिए बिल्कुल बेसिक लेवल पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो हमारा फेसबुक का जो इनिशिएटिव है जिसका नाम काउंसलिंग सर्कल है, उसके अंदर मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि काउंसलिंग क्या होती है। काउंसलिंग एक बेसिकली काउंसलर और क्लाइंट के दरमियान एक मीटिंग होती है जो कि स्पेसिफाइड डेट के साथ टाइमिंग्स के साथ मैनेज की जाती है, और उसमें जो सोल जो फोकस होता है वो क्लाइंट होता है, और क्लाइंट के इश्यूज और चैलेंजेस को सुना जाता है, और फिर काउंसलर जो होता है वो उनको टॉक थेरेपी के जरिए या फिर बातचीत के जरिए सुनता है और उनके हल बताता है। अब काउंसलिंग का जो बाय डेफिनेशन है कि इट्स अ प्रोसेस इन विच वन पर्सन दैट इज द काउंसलर हेल्पिंग अनदर पर्सन द क्लाइंट टू वर्क थ्रू सम डिफिकल्ट और पेनफुल इमोशनल बिहेवियरल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। कोई भी नॉर्मल इंसान, किसी को भी कभी भी कोई मसला हो सकता है, तो उस मसले को हल कैसे करना चाहिए, काउंसलर का ये काम है। और जो क्लाइंट है वो एक रैपो बिल्ड करेगा काउंसलर के साथ, उसके बाद काउंसलर का काम आगे ये है कि वो उसको उसके हल प्रोवाइड कर सके, प्रोफेशनली उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। इट्स अबाउट इट्स लाइक अ टॉक थेरेपी जिसमें जो जो क्लाइंट होता है वो जनरली अपनी बातों को शेयर करता है जो कि इमोशनल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हो सकती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मैरिटल डिस्कॉर्ड का इशू हो सकता है, या कोई भी ऐसा चैलेंज हो सकता है जो हमारी डेली लाइफ में हम लोग फेस करते हैं। जैसे कि स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो कुछ बहुत इंटेंस होते हैं और कुछ ऐसे स्ट्रेसर्स होते हैं जो इतने इंटेंस नहीं होते लेकिन उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है अगर हम सीरीज ऑफ स्मॉल स्ट्रेसर्स को एक्सपीरियंस करना शुरू करें। तो उस टाइम जो स्ट्रेसेस हमारी लाइफ में आ रहे होते हैं, हमारी लाइफ और ज्यादा स्ट्रेसफुल इसलिए हो जाती है क्योंकि हम उसको कोप अप नहीं कर पा रहे होते। तो जब टॉक थेरेपी के जरिए जो क्लाइंट होता है वो काउंसलर के से सब कुछ शेयर करता है, और फिर उसके बाद उसकी प्रोफेशनल हेल्प एंड गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। एक काउंसलिंग का फायदा एक ये भी बहुत बड़ा है कि इसके जरिए इंसान को कोई ऐसा बंदा मिलता है जिससे वो अपनी तमाम बातें शेयर कर सके। शेयरिंग इज केयरिंग का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, और आपने ये भी फील किया होगा कि जब भी आप बातचीत करके अपनी कोई चीज, कोई मुश्किल को या कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं दूसरे बंदे से, और अगर दूसरा बंदा अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करे तो यू कैन सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। तो इसी तरह ये है कि जब आप काउंसलर के पास जाएंगे तो काउंसलर आपको प्रोफेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करेगा टॉक के जरिए, और जब आप अपनी बात शेयर कर रहे होंगे आपको इस बात का खौफ नहीं होगा कि ये चीज लीक हो जाएगी मेरी इंफॉर्मेशन, या ये क्या मेरे बारे में सोचेगा। तो काउंसलर जो होता है वो बिल्कुल अनबाइस्ड पर्सन होता है जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है कि हाउ टू डील विद योर प्रॉब्लम। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, काउंसलर जो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में आपको सपोर्ट कर सकता है, एनजाइटी में, डिप्रेशन अगर हो रही हो आपको, कोई भी किस्म का जो है इवेंट हो जिसकी वजह से आपको उस कंटिन्यूस स्ट्रेस हो रहा हो, टाइम मैनेजमेंट में अगर मसले आ रहे हो, या फिर आपको जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मसाइल या दुश्वारी आ रही हो। इवन मैंने बहुत ज्यादा लोगों को काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की हैं कि उनको बिंज ईटिंग का मसला था। बिंज ईटिंग ये होती है कि ओवर ईट करना शुरू कर देते हैं लोग, और उसका एक बहुत बड़ी वजह है स्ट्रेस। और अब उसको मैं टारगेट करती हूँ कि सबसे पहले जो काउंसलर होता है वो ये फाइंड आउट करता है, असेसमेंट करता है कि उसको प्रॉब्लम इंसान को क्या है। हो सकता है जो क्लाइंट प्रॉब्लम बता रहा हो वो उसकी प्रॉब्लम ना हो, रूट कॉज कुछ और हो। तो काउंसलिंग सर्विसेज में ये चीजें भी आती हैं जिसमें काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको समझ सके प्रॉब्लम को और उस प्रॉब्लम के मुताबिक हल तजवीज कर सके। अब ये इम्पोर्टेंट है समझना कि काउंसलिंग क्यों जरूरी है और लोगों को काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। एक तो ये कि अगर इंसान को सही सपोर्ट ना मिल रही हो, सपोर्ट सिस्टम वीक हो, मैरिटल डिस्कॉर्ड में अगर बच्चों पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, या फिर लव्ड वन की लॉस की वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ रहा हो और कोई बंदा ऐसा ना हो जिससे वो शेयर कर सके अपनी प्रॉब्लम को, तो ये एक रीजन है कि लोगों को काउंसलिंग की जरूरत होती है। दूसरा ये कि अगर कोई इंसान मेंटल इलनेस से दो चार हो
जैसे कि बहुत कॉमनली मैंने देखा बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें फ्लक्चुएशन होती है मूड्स की, मूड स्विंग्स होते हैं इंटेंस लेवल पे भी और डिप्रेशन लेवल पे भी। एक्सट्रीम मेनिया का की सिचुएशन आती है जिसमें इंसान बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हुआ होता है, और डिप्रेशन में नॉर्मल रूटीन से कम एक्टिव हुआ होता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर्स में या मूड प्रॉब्लम्स में भी काउंसलिंग बहुत अच्छी जो है ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी साबित हो सकती है। इसके अलावा मनी प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो तो काउंसलर आपको प्रोवाइड कर सकता है ऐसी सजेशंस जिसके जरिए आप लोग प्रोफेशनली आप एक सजेशन हासिल करते हैं प्रोफेशनल से कि आपने अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को कैसे डील करना है। सबसे पहले तो क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगा, और शेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि काउंसलर जो है रैपो बिल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग करे। रैपो बिल्डिंग बेसिकली रिलेशनशिप होता है बिटवीन क्लाइंट एंड अ काउंसलर, और जितना स्ट्रॉन्ग रैपो बिल्ड होगा, ये तकरीबन रैपो बिल्डिंग होती है 2-3 सेशंस के बाद अमूमन। तो 2-3 सेशंस के बाद जब रैपो स्ट्रॉन्ग बिल्ड होती है, उसके बाद प्रॉब्लम को समझा जाता है और उसको डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा पीपल मे नीड काउंसलिंग व्हेन समवन इज इन क्राइसिस, अ काउंसलर कैन हेल्प। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बहुत सिवियर क्राइसिस में है, वो क्राइसिस मैरिटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के साथ भी आए, और उसकी वजह से सुसाइडल आइडिएशन उनमें बहुत कॉमनली पाई जाती है, या सेल्फ हार्म के बहुत केसेस मैंने देखे। तो इस केस में भी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक बेसिक स्टेप है जिसको जो है हम इग्नोर कर देते हैं। फिर है ट्रीटमेंट इज एक्सेसिबल ऑनलाइन, जिस तरह हैप्पी बीइंग का जो वेंचर है काउंसलिंग सर्कल, उसमें जल्द ही हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और मैं बहुत ज्यादा केसेस ऑलरेडी डील कर रही हूँ ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से भी ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है, और उसके जरिए हम ऑनलाइन काउंसलिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोवाइड भी कर रहे हैं काउंसलिंग सर्विसेज। इसका फायदा एक तो ये कि इसमें इंटरेक्शन नहीं है, और दूसरी चीज ये कि ये कम जो है वो एक्सपेंसिव है, ये फीजेबल है, जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इन सर्विसेज को आराम से अटेन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया गाइडेंस एंड काउंसलिंग में फर्क है। गाइडेंस में जो है हमें एक प्रोफेशनल बंदा है जो कि अदर देन साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर होगा, वो प्रोवाइड करेगा, तमाम इश्यूज एंड चैलेंजेस को सुनेगा, उसको जो है डील करने के तरीकाकार बताएगा। फिर अब जो है जो काउंसलिंग है वो प्रोफेशनल प्रोवाइड करता है, और जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है वो कोई भी प्रोफेशनल बंदा हो सकता है, या कोई भी बड़ा इंसान हो सकता है, एल्डरली हो सकता है। प्राइवेसी का जो है वो काउंसलिंग में बहुत ज्यादा अहम रोल है, और हम लोगों को एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड एज अ काउंसलर ये चीज मेक श्योर हमने करनी है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखें, लेकिन गाइडेंस में ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। इसके अलावा ये तमाम चीजें जो हैं, अप्रोचेस भी डिफरेंट हैं, डिसीजन मेकिंग और मोड जो है वो वेरी करता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। काउंसलिंग जो है वो इन समरी एक प्रोफेशनल सेटअप में जनरेट की जाती है, जिसमें एक प्रोफेशनल इंसान क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है टू डील विद हिज और हर प्रॉब्लम, जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस, या फिर फिजिकल सिम्टम्स आना, ये तमाम चीजें काउंसलिंग के जरिए हल की जाती हैं। अब क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब मैं अपने इंटर्न्स को बताती भी हूँ कि क्वालिटीज क्या होनी चाहिए काउंसलर के अंदर, तो एक तो जेन्युइननेस होनी चाहिए, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंसलर लिसन करे, सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसको लिसन करे। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, उसके अंदर यूपीआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो काउंसलर है वो बिल्कुल अनबाइज्ड होके, अनकंडीशनल होके क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा टू सॉर्ट आउट हिज और हर प्रॉब्लम। बिलीविंग इन क्लाइंट, हमें जो है ये भी सिखाया जाता है कि अपनी सर्विसेज जब हम प्रोवाइड करते हैं कि हमें क्लाइंट पे बिलीव करना है वो जैसा कह रहा है। मेक क्लाइंट अवेयर ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल एंड एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड इम्प्लीकेशन, जिस तरह के हम ये बहुत आराम, ये एक बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस है जो काउंसलर प्रोवाइड करता है, कि अगर कोई बंदा मेरे पास आता है प्रॉब्लम लेके, तो मैं कहती हूँ अच्छा आपने ये प्रॉब्लम लिखनी है एक पेज पे, इसमें आपने ये देखना है कि इसके अगर आपने ये आस्पेक्ट आपने देखा अपनी लाइफ में और इसको आप कंटिन्यू करेंगे, तो उसको आपके आपको कितने फायदे होंगे, कितने नुकसान होंगे।
फिर आप ये देखेंगे कि नुकसान जब पेपर पे लिखे होंगे कि नुकसान ज्यादा हैं तो आपने उस चीज को छोड़ देना है। अगर फायदे और नुकसान बराबर हैं तो हम और सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और अगर फायदे ज्यादा हैं तो हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द गुड वेज टू डील विद दैट प्रॉब्लम। रिकोगनाइज करने में भी हम सपोर्ट करते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं और ऑल्टरनेटिव वेज क्या हैं जो कि हेल्दी भी हो सकते हैं। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, हो सकता है क्लाइंट 10-10 सेशंस ले और फिर भी उसके मसले हल ना हो सकें और उसकी उसको और ज़्यादा कैथारसिस की ज़रूरत हो। नॉन जजमेंटल, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि अनबाइस्ड होना बहुत ज़रूरी है। बाइसनेस आ गई काउंसलर की तो फिर उसकी काउंसलिंग वहीं पर ख़त्म होगी। और अगर इस तरह के केस होते हैं तो आई सजेस्ट कि हम जो है ये काउंसलिंग का जो सेशन है वो किसी और को प्रोवाइड कर दें ताकि हमारी बायसनेस उसके अंदर ना आए। लेकिन जो अच्छा काउंसलर होता है वो अनबाइज्ड होता है, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, रेशल डिस्क्रिमिनेशन, इन तमाम चीजों को खत्म करके काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। बींग इन कंट्रोल, स्टे फोकस्ड, और फोकस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और नॉलेजेबल होना जरूरी है कि क्लाइंट जो काउंसलर है वो उसको नॉलेज हो प्रॉब्लम की, और उस प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम किसी भी नेचर की हो सकती है, और अगर आप वो डील नहीं कर पाते, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप उसको किसी और एक्सपीरियंस काउंसलर को रेफर कर दें। अब थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगी कि काउंसलिंग काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या फर्क है। काउंसलर जो है वो कॉजेस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो थेरेपीज प्रोवाइड करता है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की या मेंटल डिसऑर्डर्स की। काउंसलर जो होता है वो वोकेशनल रिहेबिलिटेटिंग प्रोग्राम, मेकिंग प्रोफेशनल चॉइसेस, एडजस्टिंग टू न्यू सिचुएशन इन लाइफ, इसमें हेल्प करता है, जो हमारी डेली की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो इंटरव्यूज कंडक्ट करता है, असेसमेंट्स करता है, थेरेपीज प्रोवाइड करता है। काउंसलर डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन एवरीडे लाइफ ऑफ द पेशेंट, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्पेसिफिक और कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डील करता है। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि स्टेप 1 ये होता है कि अगर आपको कोई इस तरह का मसला आया, बिहेवियरल इमोशनल प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले काउंसलिंग सर्विसेज आपको चाहिए होंगी। अगर काउंसलिंग के जरिए भी आपका मसला हल नहीं हुआ तो फिर आप जाएंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। तो काउंसलिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू टूवर्ड्स डीलिंग विद योर प्रॉब्लम और सॉर्टिंग आउट योर प्रॉब्लम। और अगर उस चीज से, टॉक थेरेपी से वो चीज डील नहीं होती, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन प्रोवाइड करेगा। काउंसलिंग का बहुत आसान फॉर्मूला है, और वो ये होता है कि जब जो काउंसलर है वो सोलर को फॉलो करे। सोलर एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये फॉर्मूला देती हूँ कि अगर आप काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें तो आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। सोलर में एस इज फॉर स्क्वायरली फेसिंग द क्लाइंट, की जो पोजिशन होनी चाहिए क्लाइंट की वो ये होनी चाहिए कि मैं यहाँ बैठी हूँ और क्लाइंट मेरे सामने बैठा है। ओ इज फॉर ओपन पोस्चर। काउंसलर जो होना चाहिए वो उसकी रिजिड बॉडी पोस्चर नहीं होना चाहिए कि वो स्टिफनेस होके बैठा है या फिर यूं करके बैठा हुआ है। इस तरह करके काउंसलर को नहीं बैठना, बल्कि उसका रिलैक्स ओपन पोस्चर होना चाहिए। ओपन पोस्चर किस तरह हो सकता है कि हम यूं करके बैठे हैं या हम यूं करके बैठे हैं, और हम दैट मीन्स कि हम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बॉडी लैंग्वेज के जरिए क्लाइंट को कि वी आर लिसनिंग टू यू, और हमारा ओपन पोस्चर है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजिड नहीं होना। इसके अलावा लीन टूवर्ड्स द क्लाइंट, ये भी ओपन पोस्चर से रिलेट कर रहा है कि हमें क्लाइंट की तरफ लीन होके सुनना है, यानी हमने शो करना है कि वी आर कंसर्न अबाउट यू और हम उसको हल करने के लिए आपकी बात को लिसन कर रहे हैं। ई इज फॉर आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पेशेंट या क्लाइंट बात कर रहा है और आप इधर उधर देख रहे हैं, या फिर आप अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, कंटिन्यूसली मोबाइल देख रहे हैं, तो ये आपका जो बिहेवियर है ये आपका मैसेज बॉडी पोस्चर के जरिए क्लाइंट को जाएगा दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपने आई टू आई कांटेक्ट करना है, लेकिन आई टू आई कांटेक्ट भी एक इस लेवल पे होना चाहिए कि जो क्लाइंट है वो कंफ्यूज ना हो बात करते हुए। मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आई टू आई कांटेक्ट को मेंटेन करने के लिए यू कैन वॉच टूवर्ड्स द फोरहेड। आप माथे की तरफ अगर क्लाइंट के देखें तो उसको पता चलेगा कि यू आर अटेंटिव, आप सुन भी रहे हैं, और साथ साथ कंटिन्यूस आई कॉन्टेक्ट भी ना हो ताकि क्लाइंट अपने आराम से बात शेयर कर सके। और आर इज फॉर रिलैक्स्ड पोस्चर। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो काउंसलिंग जब आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो तो ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको फॉलो भी करती हूँ। अब टाइप्स ऑफ काउंसलिंग इंटरवेंशन क्या क्या हैं? एक तो ओपन एंड क्वेश्चन, हम इसको स्टार्ट करते हैं जब रैपो बिल्डिंग हो रही होती है, खासतौर पे फर्स्ट टू सेशंस में, फर्स्ट टू और थ्री सेशंस में जब हमारा रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा होता है क्लाइंट के साथ, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं।
ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है और या फिर आपको अगर रिलेशनशिप इशू है या प्रॉब्लम है, तो उस टाइम मैं डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगी कि अच्छा आपका आपका रिलेशनशिप क्यों डैमेज हुआ या आप हर वक्त परेशान क्यों रहती हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, मैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछूंगी। लाइक मैं ये पूछूंगी कि अच्छा आप क्या समझती हैं कि रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप क्या होता है, या फिर अच्छे रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। आप इसको ओपन एंडेड रखें ताकि क्लाइंट के माइंड में जो भी चीज है वो शेयर करे वो, और साथ साथ आप नोटिंग के जरिए और साथ साथ आप आई कांटेक्ट के जरिए एक अच्छा रैपो बिल्ड करें। ओपन एंडेड क्वेश्चन के बाद फिर हम इसको फनल वे में ले आएंगे कि पहले आपने ओपन एंडेड बिल्कुल जेनेरिक क्वेश्चंस पूछते हैं, और देन आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन यानी बिल्कुल फोकस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। अब जब मैंने ये तमाम चीजें पूछी, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे वो कि आपके मुताबिक रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप कैसा होता है, अच्छे रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देन फिर मैं क्लोज एंडेड की तरफ जाऊंगी कि अच्छा आप ये बताएं कि आपका रिलेशनशिप किस वजह से फेल हुआ, आपको क्या लगता है कि कौन सी वजूहत है। तो इसमें मैं स्पेसिफिक हो गई हूँ कि वजूहत क्या है। ये रैपो बिल्डिंग के बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। इस तरह मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछूंगी कि अच्छा आपका रिलेशनशिप जब खराब होना शुरू हुआ तो आपने सबसे पहले क्या लाहे अमल इख्तियार किया। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक क्लाइंट थी जिसने मुझे एक जिसका रिलेशनशिप डिस्कॉर्ड का इशू था, तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं जाति लड़ाई झगड़ा मैंने किया, मैंने रिटेलिएट किया। तो रिटेलिएशन के तरीका एक और मैंने उनको बताया कि आपने पॉजिटिवली कैसे उस चीज को डील करना है, तो काउंसलर का ये काम आ जाता है। देन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन एंड पैराफ्रेजिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट और अहम तरीन आस्पेक्ट्स हैं काउंसलिंग सर्विसेज के अंदर, कि रिफ्लेक्शन में आप इमोशनली क्लाइंट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और साथ साथ वर्बली भी आप उसको पैराफ्रेज करते हैं। रिफ्लेक्शन के अंदर जो बंदे का इमोशन है वो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, और साथ साथ रिफ्लेक्शन का फायदा ये भी होता है कि दूसरे बंदे को पता चलता है कि हाँ काउंसलर जो है वो एम्पेथेटिक है मेरे लिए, मेरी बात दिलजोई से सुन रहा है। तो रिफ्लेक्शन में मैं ये करूंगी कि अगर वो ये बात कहेगी कि मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा रिलेशनशिप इतने साल, 10 साल पुराना मेरा रिलेशनशिप था और इस तरह खराब हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको डील कैसे करूं, तो मैं उस टाइम कहूंगी कि अच्छा मैं समझ सकती हूँ कि आप अभी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं और आप इस बात पे बहुत दुखी हैं और आपको इस वजह से बहुत बेचैनी हो रही है। अब रिफ्लेक्ट बैक मैंने किया इसके इमोशन को। पैराफ्रेजिंग जो होती है वो ये है कि आपने क्लाइंट के ही वर्ड्स को पैराफ्रेज कर देना है, दोबारा बोल देना है उसी जुमले में, बेशक ना हो लेकिन उनके जो लिटरल मीनिंग है वो यही होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि क्लाइंट ने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि 10 साल हो गए और मेरा रिलेशनशिप अब खराब हो रहा है जाके, तो मैं ये कहूंगी कि अच्छा मुझे ये अंदाजा है कि आप ये समझ रही हैं और आपको ये महसूस हो रहा है कि आपका जो एनजाइटी की वजह है वो ये है कि आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है जो कि 10 साल पुराना रिलेशनशिप था। तो मैंने इन्हीं वर्ड्स को रिफ्लेक्ट भी किया, पैराफ्रेज भी किया। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि रैपो बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं और क्लाइंट को ओपन अप होने में भी हेल्प करते हैं। और जब क्लाइंट ओपन अप होता है तो हो सकता है 4-5 सेशंस के बाद क्लाइंट कुछ और ही कहानी बता रहा हो। तो ये तमाम चीजें काउंसलर की जिम्मेदारी है कि वो अटेंटिव होकर सुने, लिसन करे, ना कि वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सुनना करे, बल्कि वो उसको सुने और अंडरस्टैंड भी करे। फिर है स्मार्ट गोल्स ऑफ काउंसलिंग, ये भी सोलर से रिलेट कर रहा है। स्मार्ट गोल्स जो हैं वो या तो वो क्या वो बिजनेसमैन, क्या वो कोई भी इंसान हो, अपनी लाइफ में स्मार्ट गोल्स जरूर अप्लाई करें। जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हो, कोई भी चीज है, काउंसलर को ये पता होना चाहिए कि जो सजेशन प्रोवाइड की जा रही है वो एक तो स्मार्ट हो, उस वो करने वो डूएबल चीज हो, दूसरा ये कि मेजरेबल हो, कि अगर फॉर इंस्टेंस मैंने कोई सजेशन दी क्लाइंट को और फिर मैं बाद में देखूंगी कि अच्छा बिफोर काउंसलिंग या बिफोर इंटरवेंशन और जो मैंने टेक्निक्स बताई उससे पहले क्लाइंट में क्या क्या चीजें थी, और जब टेक्निक क्लाइंट को जो मैंने सजेशंस दी वो उसने अप्लाई की और 1 महीने बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो वो मेजरेबल होना चाहिए। दूसरा ये कि अटेनेबल होना चाहिए। अटेनेबल का मतलब ये है कि जो मैं सजेशंस दूंगी ये नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे सजेशंस हों कि वो पॉसिबल ही ना हो क्लाइंट के लिए करना।
अगर क्लाइंट जो है फाइनेंशियली वीक है, तब मैंने उस चीज को मद्देनजर रखना है। अगर क्लाइंट को कोई फिजिकल इशू है तो वो मैंने मद्देनजर रखना है। तमाम चीजों को जहन में रखते हुए मैंने इसका पूरा असेसमेंट करके और फिर मैंने अटेनेबल गोल्स बताने हैं। रेलिवेंट होना चाहिए। ये मैं नहीं कहूंगी कि 10 साल का जो रिलेशनशिप है और वो डिस्कॉर्ड लेवल पे आ गया है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कहूँ जनरल में कह दूँ अच्छा ठीक है फिर डाइवोर्स ले लो। ये बहुत मैंने सुने हैं कि काउंसलिंग सर्विस उसी टाइम फेल हो जाता है जब आप कोई ऐसा सीरियस डिसीजन लेने पे मजबूर कर दें, और जब काउंसलर ये बात कर रहा है तो फिर क्लाइंट उस चीज पे पड़ जाएगा। तो हमें प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, ना कि हमें उस प्रॉब्लम को एट वंस बिल्कुल कट कर देना है। हमने कोशिश करनी है कि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके, ना कि वो खत्म हो जाए और उसको जो है डील किए बगैर जो है बंदा उसको छोड़ दे। और टाइम बाउंड होना चाहिए। हम जब क्लाइंट काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग ये भी देखते हैं कि टाइम बाउंड, हम जिस तरह मैंने बताया कि इंटरवेंशन जो है वो 1 मंथ के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा वो चीज मैं देखूंगी। तो टाइम बाउंड होना भी इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग सर्विसेज के सेशंस में। अब ये कुछ ऐसी शीट्स हैं जो कि हम क्लाइंट्स को देते हैं। ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो लोग काउंसलर्स नहीं हैं और वो जानना चाहते हैं कि काउंसलिंग क्या चीज़ होती है, तो हम काउंसलिंग इन चीज़ों के जरिए, मेजरेबल गोल्स के जरिए और बाकायदा हमारे असेसमेंट के टूल्स होते हैं उनके जरिए हम काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये नहीं कि सब चीज़ें बातों बातों में होती हैं, बल्कि हर चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर। जिस तरह ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, स्मार्ट फॉर्मेट है, और इसके अलावा आइडियल गोल क्या होना चाहिए वो हम मिलके ये डिस्कस करते हैं, उसको राइट डाउन करते हैं और 1 महीने बाद देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या आया। अब कोपिंग स्किल्स की चेकलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझें कि डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स क्या हैं और साथ साथ कामिंग स्किल्स क्या हैं। आप इसकी एक डिटेल वीडियो है वो आप जरूर देखिएगा कि आपने अपने आप को अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो कौन कौन सी इजी वे टू डील विद स्ट्रेस है, और कामिंग स्किल्स क्या हैं और डिस्ट्रैक्शन स्किल्स क्या हैं। कामिंग स्किल्स क्या हो सकती हैं? डीप ब्रीदिंग हो सकती है, डीप ब्रीदिंग विद बबल्स हो सकती है। बबल का जिस तरह मैंने अपने क्लाइंट्स से कहा कि आप बबल को जब आप बबल बनाएंगे तो फिर आप ये देखेंगे वो उसको ये इमेजिन करें कि ये बबल जो है ये स्ट्रेस है, और जब वो बर्स्ट होगी दैट मीन्स कि वो स्ट्रेस जो है वो खत्म हो गया। इस तरह आप जो है माइंडफुल वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, साथ इसके अलावा छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और बबल बाथ ले सकते हैं, और सेंटेड परफ्यूम के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स क्या हो सकती हैं? आप स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, कुकिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बाय द वे, मैं आपके साथ एक कुकिंग की वीडियो भी शेयर करूंगी जो कि मैंने अभी रिसेंटली बनाई है। चीजें वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव वे टू डील विद स्ट्रेस। अगर आपको कुकिंग का शौक है तो रीडिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पेट के साथ टाइम गुजारें, कोई गेम खेल सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो डिस्ट्रैक्टिंग स्किल्स हैं, और ये आप इन डिटेल जो है आप मेरी वीडियो है उसमें आप देख भी सकते हैं। उस वीडियो में आप जो है आपको मैंने बताया है कि व्हाट आर द डिटेल वेज टू डील विद स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स क्या हैं और कामिंग टेक्निक्स क्या हैं। आप मेरी यूट्यूब पे चैनल को विजिट करें, उसमें आपको मिल जाएंगी। अब एम्पथी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने सिंपथाइज नहीं करना, हमने एम्पथाइज करना है। सिंपथी का मतलब ये होता है कि हम किसी पे तरस खाएं कि वो बेचारे तुम्हारे साथ ये हो गया, ये तो बहुत बुरा हो गया। ये आम लोग जब बातचीत करते हैं तो वो इस तरह बात करते हैं, लेकिन एम्पथी का मतलब ये है कि हमने दिल जॉय करनी है, हमने बंदे की मसले को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। एक तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने सेफ एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। जब काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो उस टाइम हम ये देखते हैं कि लाइटनिंग अच्छी हो, पानी सामने रखती हूँ मैं ताकि क्लाइंट को अगर पानी की जरूरत पड़े, टिश्यू पेपर का बॉक्स मैं सामने रखती हूँ कि इनकेस अगर क्लाइंट को जरूरत पड़े तो ये चीजें उसके पास अवेलेबल हो। बिल्कुल रिलैक्स एनवायरनमेंट रखती हूँ, आवाज डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एनकरेजिंग बिहेवियर होना चाहिए। अगर आपको क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करके आपको बता रहा है तो आपने उसको एनकरेज करना है कि आई एम लिसनिंग टू यू। और तीसरी चीज ये है कि आपने लिसन करना है क्लाइंट को और उसको रिफ्लेक्ट बैक करना है, पैराफ्रेज करना है। अब ये चीजें जो हैं वो हम लोग जो है कितनी भी चीजें हों, हम
काउंसलिंग के जरिए उसको हल कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स हेल्पिंग द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, जो कि फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फ्रेंड्स से रिलेटेड हो सकता है. ये तमाम चीजें हैं जो काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करती है आपको सपोर्ट. हम लोग आपको जरूर हेल्प करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने काउंसलिंग सर्कल का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोवाइड करती हूँ जो लोग डिजर्विंग हैं, और जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, हम इसको बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ साथ रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 1-to-1 अगर काउंसलिंग कोई चाहे तो आई एम प्रोवाइडिंग इट इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, एंड मेरे साथ और भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिनको हम रेफर कर सकते हैं रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट, और साथ साथ हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे बहुत अच्छे प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और काउंसलर्स हैं जो काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप हैप्पी बींग के ईमेल आईडी पे हमें ईमेल कर सकते हैं, happybeing18@gmail.com, और काउंसलिंग सर्विसेज जो है हम इस तरह कर सकते हैं कि हम सॉरी ये 18 है, इट्स काउंसलिंग सर्विस हैप्पी बींग की जो ईमेल आईडी है दैट इज happybeing18@gmail.com, और जो हमारा पेज है वो है काउंसलिंग सर्कल, और उसके अंदर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं. आई होप कि आपको अंदाजा हुआ होगा कि काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और इसकी अफादियत क्या है, और हमें काउंसलिंग की क्यों जरूरत होती है, काउंसलर और गाइडेंस में फर्क क्या होता है, ये तमाम चीजें हमें मालूम होनी चाहिए. और काउंसलिंग सर्कल जो मेरा इनिशिएटिव है उसका यही मकसद है कि हम लोग सपोर्ट करें जो भी बंदा एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी भी स्मॉल शॉर्ट टर्म स्ट्रेसर से गुजर रहा है, तो उसके हल हम प्रोवाइड करें प्रोफेशनल वे में. थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी होगी. फॉर मोर वीडियोज यू कैन सजेस्ट अस इन इन दिस वीडियो, या फिर आप काउंसलिंग सर्कल को ज्वाइन करें और उसके अंदर भी आप हमें कमेंट्स दे सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.